आप सबको प्रीतिस किचन डायरी में स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ इटालियन डंपिंग्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है। चलिए बनाते हैं इटालियन डंपिंग। इटालियन डंपलिंग्स बनाने के लिए मैंने एक बाउल बॉयल्ड मैक्रोनी लिया है। इसको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। एक बाउल ठंडा दूध लिया है, हाफ बाउल मैंने सूजी लिया है, 1 स्पून बटर, 1/4 चीज़ लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई, 1 स्मॉल स्पून है आपका ऑर्गेनो, 1 स्मॉल स्पून नमक। एक पैन में सबसे पहले हम सूजी सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने सूजी को पैन में डाला, एक कुछ सेकंड के लिए हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। मुझे बिल्कुल इसका कलर नहीं चेंज करना है। सूजी हमारा हो गया है। एक चम्मच जो मैंने बटर लिया था इसमें मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस बिल्कुल लो रखिएगा। अच्छा, एक कप जो मैंने ठंडा दूध लिया है उसको मिलाते जाएंगे। ध्यान रहे गुठली ना पड़े, आँच लो रखिएगा। पहले हमारा बिल्कुल हो गया है, गैस बंद कर देंगे। सॉस सूजी का सॉस तैयार हो गया है, बंद कर देंगे। अब एक बड़े बर्तन में जो कटी हुई मैक्रोनी ली है सारा मिला देंगे, कटी हुई काली मिर्च, आप इसमें वाइट पेपर भी मिला सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार मिला। जो हमने चीज़ लिया है इसको मिला देंगे, ग्रेटेड चीज़ है। जो हमने सूजी का सॉस बनाया था वो इसमें मिला देंगे। ये हमने इसे मिला दिया। आप मेरा थोड़ा थिक हो गया, आप थोड़ा सा पतला रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी हम डंपलिंग्स बना लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है, आप अपनी किटी पार्टी में एज ए स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं बना के, बच्चों की टीपा बच्चों की पार्टी में भी। ये हमारे डंपलिंग्स सारे बन गए, एक गैस पे घी गर्म हो गया, एक एक करके डालेंगे। अभी तो लो है, फिर हम मीडियम कर देंगे अंदर तक अच्छे से हो जाए। इसको हम मीडियम आंच पे डीप फ्राई करेंगे, हल्के से ऐसे क्लिक कर दूँ। इसको हम एक एक करके पलट देंगे संभाल के, थोड़ा सा नाजुक है ये। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है इटालियन डंपलिंग्स। इसको मैं निकाल लूँगी, ये बहुत ही टेस्टी है, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हम इटालियन डंपलिंग्स बन के बिल्कुल तैयार हैं, इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।